बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप लोगों के 10 चौंका देने वाले फ़ायदे जानते हैं? ये आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकें। आज हम बात करेंगे लौंग के चंद मुनफरद फ़वाद के बारे में, शायद जिनके बारे में आप पहले से ना जानते हों। लौंग एक खुश्क अनखिला फूल यानी कली होती है, जिसे एक खूबसूरत दरमियाने कद के सदाबहार दरख्त से हासिल किया जाता है। ये दरख्त कद में सीधे तने के साथ 10 से 12 मीटर बुलंद होता है। इसके पत्ते लंबे, नोकीले और खुशबूदार होते हैं। दरख्त पर 9 बरस की उम्र में फूल आते हैं। लौंग का फूल आधा इंच के करीब लंबा और खुशबूदार होता है। लौंग चीन और बरसगीर में 2000 साल से ज़ेर इस्तेमाल है। यह गर्म मसालों में शामिल किए जाने से लेकर दांतों के अमराज तक में इस्तेमाल किया जाता है। सांस की बू दूर करने के लिए भी लोग इसे चबाते हैं। लौंग का दरख्त मलुका जंजबार के इलाके से ताल्लुक़ रखता है। चीनियों ने 3री सदी कबल मसीह में इस मसाले का इस्तेमाल शुरू किया था। अलेक्जेंड्रिया में लौंग को 2री सदी ईस्वी में दरामद किया गया। 4थी सदी में यह पूरे बहर रूम के इलाके में मुतारफ़ हो चुका था। 8वीं सदी तक सारे यूरोप में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। आजकल जंजबार लौंग पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। कीमियाई तजिए के मुताबिक लौंग में कार्बोहाइड्रेट्स, रतूबत, प्रोटीन, चिकनाई, खाम रेशा और मादनी मादे होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक, रेबोफ्लाविन, नायासिन, विटामिन सी और ए भी पाए जाते हैं। इसकी गजाई सलाहियत 100 ग्राम में 430 कैलोरीज हैं। इसके बहुत सारे फायदे और इस्तेमाल हैं। लौंग में बहुत सी तिबी खूबियाँ हैं। ये मुहरक होता है। लौंग को दवा के तौर पर कई सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें जोशांदा और सफूफ दोनों शामिल हैं। लौंग में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश को मुस्तहकम करते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं। लौंग का तेल बैरूनी मालिश के जरिए जिल्द को नई जिंदगी देता है। इसकी मालिश से हिद्दत और सुर्खी पैदा होती है। ये जिगर और गुर्दे के लिए भी नहायत मुफीद है। कब्ज़ कुशा और जला बाबर अद्वियात में इसे मिलाकर इस्तेमाल करने से दीगर जला बाबर अद्वियात की तरह पेट दर्द नहीं होता। लौंग से निकलने वाला तेल भी लौंग जैसे औसाफ रखता है। 3 से 5 बूंद तक खाने से पेट दर्द, बदहजमी और कै वगैरह को दूर करता है। लौंग का एक दाना खुरदनी नमक चुटकी भर साथ चबाया जाए तो बलगम के खराज में आसानी हो जाती है। गले की खराश कम हो जाती है और खांसी रुक जाती है। हलक की सोजिश भी इसे ख़त्म हो जाती है। हलक की सोजिश और बलगम के इज्तमाई से पैदा होने वाली खांसी के इलाज के लिए जला हुआ लौंग चबाना भी अक्सर है। लौंग के तेल के 3 से 5 कतरे शहद और लहसुन की एक तुरी के साथ खाना खांसी की अजियत से निजात दिलाता है। ये दवा रोज़ाना एक बार रात को बिस्तर पर जाने से पहले इस्तेमाल कर लेने से काफ़ी अफाका होता है। इसके अलावा दांतों की बीमारियों के लिए भी लौंग नहायत मुफीद है। दांत दर्द में लौंग का इस्तेमाल दर्द काफूर कर देता है। इसके जरासीम कुछ अज्जा दांतों की इन्फेक्शन भी ख़त्म कर देते हैं। मुतासर दांत के खला में लौंग का तेल लगाने से दर्द ख़त्म हो जाता है। लौंग चूसने से भी गले के अमराज में अफाका होता है। इसके अलावा नमक, दूध और पिसे हुए लौंग का लेप पेशानी पर लगाने से सर दर्द का खात्मा एक पुराना घरेलू टोटका है। नमक रतूबत कशीद करके तनाव कम कर देता है। कान का दर्द, एक लौंग का दाना तिलों के तेल में 1 चाय का चमचा गर्म करके 3 से 5 कतरे कान में डालने से कान का दर्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा लौंग के दीगर इस्तेमाल में लौंग का इस्तेमाल खानों और पकवानों में बहुत आम है। इसे 5 सुपारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। बुखार के बाद लौंग चरायता मिलाकर मरीज को खिलाने से भूख जल्द बढ़ जाती है और मरीज की कमजोरी जल्द रफा हो जाती है। लौंग एसाब को भी ताकत देता है। इसके अलावा लौंग निज़ाम की खराबियों को भी दूर करता है। इसके खाने से निज़ाम बेहतर हो जाता है। मैदे की मुतद तकालीफ और बदहजमी में बेतकल्लीफी से इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क लौंग का सफूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से कै और मतली रुक जाती है। लौंग का बेहिस करने का अमल गजा की नाली और मैदे को सुन कर देता है, चनाचा कै रुक जाती है। दोस्तों, ये थे लौंग के चंद चौंका देने वाले मुनफरद तरीन फायदे, जिनसे आप शायद पहले वाकिफ ना हों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।